कभी आपने सोचा है बुद्ध की मूर्ति को देखकर शांति का अनुभव क्यों होता है? बस चुपचाप बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठो, उसे निहारो और तुम्हें आश्चर्य होगा, तुम्हारे भीतर कुछ शांत होने लगता है, तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर मौन हो जाता है। रशियन गुरु गुरजीएव इसे ऑब्जेक्टिव आर्ट यानी उद्देश्यपूर्ण कला कहते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस मूर्ति को बनाया है उसने अपने ध्यान से इसे सृजन किया है। ये ध्यान की एक कृति है। ये गौतम बुद्ध के शारीरिक रूप को शायद सटीक रूप से प्रस्तुत नहीं करती है, वास्तव में ये उनके शरीर को प्रस्तुत नहीं करती, ये प्रतीकात्मक है। ये उनके ध्यान को प्रस्तुत करती है, ना कि उनके शरीर को, ना कि उनके मन को, बल्कि उनके अस्तित्व को। ये उनकी स्थिरता को प्रस्तुत करती है। लेकिन उद्देश्यपूर्ण कला आज की दुनिया से लुप्त हो गई है, क्योंकि संतों का अस्तित्व दुनिया से लुप्त होता जा रहा है। उद्देश्यपूर्ण कला केवल तभी संभव है जब कोई व्यक्ति एक उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसे उन्होंने बनाया है जो चोटी तक पहुंच गए हैं। वे चोटी को भी देख सकते हैं और घाटी को भी। वे मानवता की ऊंचाई, मानवता की सुंदरता और मानवता की बीमारी और कुरूपता को भी देख सकते हैं। वे गहरी अंधेरी घाटियों में झांक सकते हैं जहाँ लोग भटक रहे हैं, और वे सूर्य प्रकाशित चोटियों को भी देख सकते हैं। वे कुछ ऐसे उपकरण बना सकते हैं जो अंधेरे में भटक रहे लोगों को सूर्य प्रकाशित चोटियों तक पहुंचने में मदद करें। आधुनिक कला में एक तरह का बचपना है, जिसको हम कहें चाइल्डिश बट नॉट इनोसेंट। उसमें एक तरह का न्यूरोसिस है, पागलपन और रोग है, क्योंकि ज़्यादातर ये कला एक तरह का कैथारसिस है। असली कला आपके भीतर शांति और विस्मय पैदा करती है। हमारी कला का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव आर्ट होना चाहिए। एक साधक जो प्रभु के मार्ग पर है, वो ध्यान के साथ साथ जितना सृजन में उतर सके उतना अच्छा, और ऐसा सृजन जिसको गुरजीएव ऑब्जेक्टिव आर्ट कहते हैं, उसमें उतरना है। वो कला जो दूसरे के जीवन में ध्यान और शांति लेकर आ सके, जो भटकती मानवता को एक विश्राम स्थल पर ला सके। बहुत कुछ सृजित किया जा सकता है, जो आश्रय दे सके, जो प्रकृति के साथ गहन अनुभव का आदान प्रदान कर सके। कला का असली कार्य है लोगों की प्रकृति के साथ संवाद करने में मदद करना होना चाहिए, क्योंकि उसी संवाद से उन्हें धर्म की तरफ अग्रसर किया जा सकता है। प्रणाम।